आज मैच है द वर्ल्ड में जी दो आपको दिखाने वाले सबसे डरावनी जगह है सेंट जॉर्ज चर्च चेस रिपब्लिक शहर में मौजूद ये चर्च अजीब और सफेद रंग की मूर्तियों से भरा हुआ है जो चर्च के गेट से लेकर हर तरफ फैली हुई है जिसे साल 1352 में बनाया गया था जहां जाने से आज भी लोग डरते हैं। माना जाता है कि इस मूर्तियों को वहां के एक लोकल मूर्तिकार ने बनाया था जिसके बाद से कुछ लोग वहां पर वापस से प्रार्थना करने जाने लगे लेकिन कुछ तो आज भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। सेंट अल्बान्स सेनेटोरियम ये जगह ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट की सबसे भूतिया जगहों में से एक है जो एक स्कूल हुआ करती थी जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ का स्टाफ बच्चों को काफी परेशान किया करता था जिस वजह से कई बच्चों ने अपनी जान दे दी थी। बाद में इस जगह को 1916 में एक मेडिकल एक्सपेरिमेंट की जगह में बदल दिया गया जहाँ पर पेशेंट्स को मेंटली काफी टॉर्चर किया जाता था जिससे या तो वो अपाहिज हो जाते थे या फिर उनकी मौत हो जाती थी। यहाँ तक की यातना से बचने के लिए वो अपने आप को ही मार डालते थे जिसे 1990 में बंद कर दिया गया। आज यहाँ कई भूतिया घटनाएं घटती है जैसे कि डरावनी आवाजें आना या फिर चीजों का हवा में तैरना। यहाँ तक कि दीवारों पर परछाई भी दिखाई देती है। ओवरटोन ब्रिज ये दुनिया की सबसे रहस्यमय ब्रिज में से एक है क्योंकि इस पुल से कूदकर अब तक 50 से ज्यादा कुत्तों ने अपनी जान दे दी जिसके रहस्य के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता कि आखिर इस पुल पर आने के बाद कुत्तों को ऐसा क्या हो जाता है जिससे वो अपनी जान दे देते हैं। अगर उनमें से कोई कुत्ता पहली बार में नहीं मरता तो वो दोबारा ऊपर जाकर नीचे कूद जाता है। इग्रोट फिलीपियन में रहने वाली एक जनजाति अपने परिजनों के मरने के बाद उन्हें जमीन के नीचे नहीं बल्कि पहाड़ों के किनारों पर ताबूत के साथ टांग देते हैं। ये प्रथा यहाँ पर 2000 सालों से चलती आ रही है। कई बार तो कुछ ताबूत कंकाल के साथ ही नीचे आकर गिर जाते हैं। यहाँ के लोग मानते हैं कि ताबूत को ऊंचाई पर रखने से उनके मरने के बाद की दुनिया में जाने के चांसेस भी काफी बढ़ जाते हैं। वही विजिटर्स दूर से ताबूत को देख सकते हैं, उन्हें पास जाने की अनुमति नहीं होती ना ही वहां पड़ी हड्डियों को छूने की। रेकोलेटा सेमेट्री दूर से देखने पर आपको ये कोई शहर लग रहा होगा लेकिन हकीकत में ये एक बड़ा कब्रिस्तान है जहाँ 6400 लोगों की कब्र है जो अर्जेंटीना में मौजूद है। यहाँ मौजूद हर एक कब्र का आर्किटेक्चर दूसरी कब्र से काफी अलग है। यहाँ पर कई प्रसिद्ध लोगों को दफनाया गया है जिसमें कई प्रेसिडेंट, साइंटिस्ट, यहाँ तक कि नेपोलियन बोनापार्ट का पोता वेल्विस्की कोलोना भी शामिल है। दोस्तों मुझे इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी पर आपको इसे लाइक करने में सिर्फ एक सेकंड लगेगा, इसीलिए वीडियो को जरूर लाइक कर दें और वीडियो के नीचे एक लाल बटन है उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना।